हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्रेजी हार्ट ब्लॉग चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई साहब, आज का जो काम है, काम नहीं है भाई। आज हम ना अपनी सिस्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास में ही है उनका घर, जो गगन है ना, उनके घर में वो जा रहा है भाई साहब, फॉर्म जा रहा है। तो भाई हमारे जो आए थे गेस्ट, हमने आपको पहले नहीं बताया, हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं। मेरी मौसी जी आए हुए हैं दो। तो भाई साहब उनको भी जाना था मिलने के लिए, मेरी सिस्टर से और उनकी प्रिंसेस से। तो भाई साहब चलो चलते हैं। गाइस ये मेरे फैमिली मेम्बर, ये देखिए ये सभी। गाइस आज बहुत ज़्यादा धूप है और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारी सिस्टर के पास। तो ये धूप में आग ही नहीं खुल रही भाई साहब। आपको मिलाते हैं हमारी प्रिंसेस से, ये है मेरी भांजी। भाई अभी अभी ये सो गए, तो बहुत ज़्यादा प्यारी बच्ची है ये। तो भाई इससे मिलने के लिए स्पेशल में आई हूँ यहाँ पे। तो आपको मेरी सिस्टर पहले हमने दिखाई, पता नहीं कि नहीं, आज दिखाएंगे। तो भाई साहब ये देख लो, चलो अभी भाई है ये हमारी प्यारी सी भांजी के लिए थे चिप्स, ये खा रहा है। देख लो भाई साहब, एक सेकंड में इसने सारे। ये मेरी दीदी है ब्यूटीफुल सी। तो गाइस उनके हाथ देख लो, उन्होंने रोटी बनाने वाला जो तवा था उसको ऐसे हाथ से साफ कर दिया भाई साहब उनके हाथ में। अभी बाद में दिखाते हैं आपको। दीदी अभी हाथ धो रहे। मेरी बड़ी सिस्टर मुझसे बड़ी है, उसके बाद मैं इनसे छोटी हूँ, और गगन जगजीत वो सभी हम दोनों से छोटे हैं। तो भाई साहब ये मेरी सिस्टर के मतलब क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा हाई है। ये ऑपरेशन करते हैं, ये ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टर है। तब जब दीदी घर में आते हैं ना, तो गाइस हम लोग इनसे ऐसे काम करवाते हैं, देख ले। देख लो गाइस मेरी दीदी, हम लोग सच में इनसे ऐसे काम लेते हैं जब ये घर में आते हैं। बेचारे वहाँ पे तो काम करते ही हैं, जब घर में आते हैं हम लोग क्या सिर्फ बैठने नहीं लेते दीदी को। भाई मेरी बड़ी बहन है ना, सभी काम तो करेगी। तो गाइस निम रहते देख लो, मेरा भाई जो गगन है वो मतलब कल जाएगा फॉर्न। तो भाई साहब उसके लिए हम लोग सारी तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं? खाने पीने का जो सामान है, शॉपिंग तो उसने कर ली है, तो भाई दीदी ने करवा दी थी शॉपिंग। तो भाई साहब अभी मैं ये बिटर गार्ड के अंदर सेल्ट डाल रही हूँ, ताकि जो उसका मतलब के टेस्ट है ना, बिटर बिटर सा जो टेस्ट है वो निकल जाएगा इसके वजह से। तो भाई साहब इसीलिए मैं सॉल्ट का यूज़ कर रही हूँ। तो भाई अभी इसको करते हैं अप्लाई, उसके बाद मिलेंगे आप सभी। देख लो हमारा स्वीटू शायद, स्वीटू ना लिया आपने, आपने ना लिया, ना लिया आपने। ये ना जायो, निम्रता बैठ जाओ पुत्र, निम्रता
तो गाइस अभी मैं घर आ चुकी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ मेरी ताई जी के घर से मैं क्या उठा के ले आई। तो ताई ने मकरोनी बना रखी थी भाई साहब और मैं सारी उठा के ले आई। मैंने कहा चलो भाई घर में खाएंगे। तो भाई साहब ये ऐसी है, टेस्ट करके देख लूँ। अच्छी टेस्टी है। तो गाइस ये बेचारी मेरे साथ काम करवा रही हैं। अभी मैं घर आ चुकी हूँ और मतलब ये सभी लोग घर के काम कर रहे थे, किचन की सफाई। आज भाई साहब किचन पूरा साफ कर दिया। ये पीछे से भी देख लो चमक रहा है ना भाई साहब, ये चमक रहा है। ये बेचारी छोटी छोटी मेरी सिस्टर्स हैं, ये भी बेचारी ये मुझसे ज़्यादा सफाई कर रही हैं। आज पहले मैं करती थी, आज पता नहीं क्यों सारी फैमिली मेम्बर्स काम कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं भाई, डाउट हो रहा है मुझे। सभी सामान वान जो भी था सभी निकाल दिया बाहर और कपड़े भी धो दिए आज। और ये देख लो सारे जो सफाइयाँ हैं, ये मेरी मौसी जी आई हुए हैं। तो भाई वो भी बेचारे हमारे साथ काम कर रहे हैं, लगभग वो सारा काम करवा रहे हैं हमारे साथ, खाना बनाना जो भी। हमने ऐसा लगा नहीं क्या मेहमान आए हुए घर में। तो गाइस हमें आज काम नहीं करना पड़ रहा। तो ये अभी हमारी मम्मी समझो भाई मुझसे काम नहीं लेते। मेरी मम्मी तो कब सारा काम मुझसे लेती हैं, मेरी मौसी जी हैं जो सारा काम खुद कर लेती हैं। कभी भी हमारे यहाँ आते हैं तो वो बेचारे देख लो बेचारे मौसी जी काम कर रहे हैं। तो हम लोग ना इनसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, सभी हमारे जो रिलेटिव्स हैं मतलब वो एक दूसरे के करीब हैं, बट हम लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दूर हैं, यहाँ पे हैं, इतनी दूर है, 3-4 घंटे का रास्ता है हमें वहाँ मिलने। कहीं से भी कहीं भी जाना होता है ना, हमारे सभी जो रिश्तेदार हैं हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, सभी एक दूसरे के पास हैं बट हमसे दूर हैं। तो भाई साहब वो हमसे मिलने आते हैं बेचारे, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता कहीं जाने का। बट हम सोच रहे हैं कि किसी समय हम जाएं बॉर्डर पे। तो भाई साहब आपको वहाँ की नदी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जाती है वो आपको दिखाएँगे, और वहाँ का बॉर्डर भी दिखाएँगे, जो आर्मी से हैं वहाँ पे उनसे भी हम मुलाकात करेंगे। तो भाई साहब देखेंगे वो एरिया ना मेरी मौसी जी का, मतलब वहाँ पे है सारा उधर का एरिया है बॉर्डर पे। तो भाई गए तो ज़रूर दिखाएंगे आपको, हमारा प्लान तो है, बट थोड़े से सब्सक्राइब बढ़ जाएं तो फिर जाएंगे, पहले नहीं जाएंगे भाई, पहले सब्सक्राइब कंप्लीट करवाओ। तो भाई अभी तो गाइस अभी जो हमने वीडियो बनाई है ये आपने पूरी देख ली, तो इस वीडियो को भाई सब लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस अभी मैं ना आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ, मौसी जी दिखा दो भाई। ये ना मतलब पेड़ है हमारे घर में है, जो सुवांजना का पेड़ होता है उसके ये बीज ऐसे है भाई साहब, जैसे टाफी के ये ऊपर प्लास्टिक नहीं लगा होता भाई साहब, ऐसे हैं ये, देखने को तो लहसुन जैसे लग रहे हैं बट भाई ये बीज हैं। अभी अभी मौसी जी ने निकाले थे उस फलियों के अंदर से जो बंस थी भाई, तो अभी इसको साफ करके उगा के देखेंगे, उगाने हैं तो सब्जी बनानी है, उगाने के लिए भाई साहब। इसके पेड़ होते हैं बहुत लंबे लंबे से, मतलब उसकी जो छाया होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठंडी ठंडी सी हवा भी होती है इसकी। तो भाई अभी इस वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।